हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर किस तरीके से अपने बालों को बहुत ही इजीली कर्ल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके पास कोई रोलर नहीं है, कलर मशीन नहीं है और आपको अपने बालों को कर्ल करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ उसकी हेल्प से आप इजीली अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें किस तरीके से अपने बालों को ईजिली कर्ल करना है। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने बालों पर हेयर स्प्रे लगाना है। अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है तो आपको ये करना है कि आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें 2 चम्मच पानी डालना है और उसके बाद आप इसमें 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम स्मूथ सा क्रीमी पेस्ट बन जाएगा जिसे आपको अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो गाइज, आपको अपने बालों को थोड़े थोड़े सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने थोड़े से बाल आगे के ले लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और उसमें इस मिक्सचर को अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है। सो गाइज, अगर आप बिना हीट के, बिना किसी रोलर कलर की हेल्प से अगर आप अपने बालों को डैमेज नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आप अपने बालों को कर्ल करेंगी तो आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और आप इजीली इस ट्रिक को फॉलो कर सकती हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है और उसके बाद मैं अपने दूसरी साइड भी इस मिक्सचर को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज, मैंने यहाँ पर मिक्सचर को अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ये देखिए, अब आपको एक स्कार्फ ले लेना है। सो गाइस, स्कार्फ तो सबके पास होता ही है, या फिर अगर आपके पास मफलर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। उसको आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपको अपने बालों को बीचों बीच लगाकर इस स्कार्फ को आपको पिनअप कर लेना है और उसके बाद आपको थोड़े से बाल लेने हैं अपने। और देखिए, इस तरीके से आपको इस स्कार्फ के साथ आपको इसे रोल कर लेना है अपने बालों को। अपने थोड़े थोड़े बालों को सेक्शंस में डिवाइड करके आपको इस तरीके से रोल करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। सो गाइस, देखिए, आप स्कार्फ की हेल्प से बहुत ही इजी तरीके से अपने बालों को कर्ल कर सकती हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े बालों को लेना है, सेक्शंस में डिवाइड करना है और उसके बाद आपको ये देखिए इस तरीके से रोल कर देना है। सो गाइस, इसी तरीके से आपको थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और अपने बालों को अच्छे से रोल कर देना है। सो गाइस, अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आप अपने पूरे बालों को कर्ल करना चाहती है तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इजीली बिना कर्लर, बिना रोलर की हेल्प से अपने बालों को एकदम कर्ल ही कर सकती हैं। सो गाइस, देखिए, इस तरीके से मैंने अपने एक साइड के बालों को अच्छे से रोल कर लिया है। ये देखिए, जब आपके बाल एकदम कॉर्नर तक रोल हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपको एक रबर बैंड लेनी है और उसके बाद आपको इसे इस तरीके से रबर बैंड लगा लेनी है। सुबह रबर बैंड लगाने के बाद आपको अपने स्कार्फ का जो थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा उसको आपको देखिए इस तरीके से गांठ लगा लेनी है और उसके बाद आप साइड में इसे अच्छे से एक बन बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद आप एक रबर बैंड की हेल्प से इसे अच्छे से टैग कर लीजिए। सो गाइस, इसी तरीके से आपको अपने दूसरी साइड के बालों को भी अच्छे से रोल कर लेना है। आपको थोड़े थोड़े बालों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना है और उसके बाद स्कार्फ की हेल्प से अच्छे से रोल कर लेना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी साइड के बालों को भी अच्छे से रोल कर लिया है और उसके बाद एकदम कॉर्नर तक बालों को रोल करने के बाद आपको एक रबर बैंड लगा लेनी है और उसके बाद बाल अच्छे से, और अगर आपके बाल खुल भी सकते हैं तो आपको करना है कि नीचे स्कार्फ जो बच गया उसको भी अच्छे से एक गांठ लगा लेनी है और उसके बाद देखिए इस तरीके से घुमाते हुए आपको ऊपर की तरफ साइड में एक बन बना लेना है और उसके बाद रबड़ की हेल्प से अच्छे से बांध लीजिए। सो गाइस, उसके बाद आपको इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए या फिर आप 6 से 7 घंटे में भी इजीली आपके बाल कर्ल हो सकते हैं। सो गाइस, मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ा है, अब मैं इसे खोल लूंगी। सो
सो गाइज अगर आप इसे ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो आप कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे बांध के रखेंगे तो भी आपके बाल इजीली कर्ल हो जाएंगे। सो गाइज आपको इस तरीके से धीरे धीरे करके पिन अप अपनी जो आपने पिन ऊपर लगाई हुई है वो भी अच्छे से निकाल लेनी है और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना स्कार्फ अच्छे से रोल करते हुए खोल लीजिए। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे बाल पहले कैसे थे एकदम स्ट्रेट और अब देखिए कितने ज़्यादा कर्ल हो गए हैं। सो गाइज अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है और आपके पास कर्लर नहीं है रोलर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने बालों को कर्ल कर सकती हैं बिना हीटलेस, आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे और आप इजीली अपने बालों को पूरे बालों को करना है या फिर आपको आगे आगे बालों को करना है आप इजीली कर्ल कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।